स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टॉप 18। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो यात्रियों के पहले जत्थे की कश्मीर में एंट्री हो चुकी है। एक घंटा पहले ये एंट्री हुई है। नवयोग सुरंग काजीगुंड पार कर यात्रियों का पहला जत्था काजीगुंड पहुंच चुका है, जहां यात्रियों का शानदार तरीके से स्वागत हुआ। स्वागत के लिए DIG दक्षिण कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट, DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, SSP कुलगाम साहिल मौके पर मौजूद रहे। यात्रा का आरंभ हो चुका है औपचारिक तौर पर, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो कल से बाबा बर्फानी के दर्शन मिल पाएंगे इन यात्रियों को, और इसीलिए जगह जगह पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी अमला हो या फिर सुविधाओं को लेकर तैयारियां हो, सभी पर नजर रखी जा रही है। LG मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई, और हरी झंडी जब दिखाई तो ये उधमपुर से होता हुआ ये यात्रियों का जत्था रामबन पहुंचा। रामबन से होता हुआ ये आगे काजीगुंड पहुंचा, और काजीगुंड पहुंचते ही इस यात्रा ने नवयुग टनल पार किया, कश्मीर में एंट्री हुई। अब से एक घंटा पहले तकरीबन इस अमरनाथ यात्रियों का जत्थे ने, आपको बता दें कि पंथ चौक में भी एंट्री यानी श्रीनगर में भी एंट्री कर ली। अब ये पड़ाव आगे की ओर बढ़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 बजे तक ये जत्था नुनमन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप तक पहुंच जाएगा। वहां पर कैसी तैयारियां हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, और इस बार किस तरह से पिछले के मुकाबले बदलाव किए गए हैं तैयारियों में, ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन राह कठिन है, लेकिन उससे बड़ी है दर्शन की चाह। जी हाँ, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ये तमाम तीर्थयात्री निकल चुके, लेकिन इस बीच एक हैरान भरी खबरें, हैरानी पूर्वक खबरें सामने भी आई हैं। कल भी आई थी सांबा से और आज कठुआ से आई कि कुछ ऐसे राज्य हैं, इलाके हैं जहां पर फेक रजिस्ट्रेशन के झांसे में यात्रियों को लाया गया, और जब वो प्रवेश द्वार जम्मू कश्मीर के लखनपुर पहुंचे तो पता चला कि उनका रजिस्ट्रेशन फेक है। एक एक रजिस्ट्रेशन पर उन्होंने कम से कम 7 से 8 हजार रुपए का खर्च किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस होली यात्रा पर भी कुछ ऐसे काले लोग हैं धंधे करते हुए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पहले जत्थे में जो यात्री शामिल हैं उनकी अगर हम बात करें तो 3000 से ज्यादा यात्री पहले जत्थे में शामिल हैं, जो पवित्र गुफा के दर्शन के लिए निकल पड़े। आपका और डीसी कुलगाम का मैं खैर मकदम करता हूँ, जिन्होंने कहने पर हम आज काजीगुंड टनल के पास पहुंचे। तो हमने आज यात्रा का जो पहला जत्था था आज उनको हमने इनॉग्रेट किया, तो वो वादी की तरफ रवाना हो गए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, आप कश्मीर आइए और हम आपके स्वागत के लिए तैयार है जनाब। तो बातें साहब, DC साहब ने हमारे आज यहाँ प्रोग्राम बनाया था, काजीगुंड DIG साहब भी थे, SSP साहब थे, SP साहब थे, तो हम उनका भी वेलकम करते हैं। हम PRI मेंबर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के हैं, आज हमने तहे दिल से स्वागत किया है यात्रा काजीगुंड टनल के साथ। क्या मैसेज रहेगा? मेरी मैसेज रहेगी सर, हमारी यही मैसेज रहेगी पूरे हिंदुस्तान को कि आप जोग दर जोग आइए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार है, बार बार आइए, हम आपके लिए तैयार है। ये पहली यात्रा आया हमारे कश्मीर में, तो हमने बहुत स्वागत किया इनके लिए, तो खुशी की बात है आगे भी करते रहेंगे। तो हमने भी सोचा हम इसका स्वागत करेंगे बड़ी धूमधाम से, तो मेरे ख्याल में हमारी स्वागत बहुत अच्छा। क्या मैसेज रहेगा आपका? हम सबको मैसेज देते हैं जो भी है आगे भी, हमें बहुत इनको रिस्पॉन्स देना है, स्वागत करना है इनके लिए, ये हमारी मेहमान है। सारी कश्मीर को लोगों को हम कहना चाहते हैं ये कि इनको रिस्पॉन्स दीजिए, इनको ये मेहमान है हमारी, हम इनके साथ बहुत ताउन अशीष करते रहे, पहले भी करते थे और आज भी करते रहेंगे। कड़े हिफाजती बंदोबस्त के बीचों बीच और बम बम बोले के नारों के चलते श्री अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वादी कश्मीर में दाखिल हो गया है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि कल बाज़ाब्ता तौर पे 1 जुलाई को दोनों रिवायती रास्तों से जो है यात्रा बहाल होगी, चाहे वो चंदनबाड़ी के रास्ते या फिर बालतल के रास्ते। इन दोनों रास्तों से बाज़ाब्ता तौर पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। और हम आपको बताएं कि ये जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है इसको आज पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया था, और तकरीबन
3000 से जायद यात्रियों का पहला काफिला वादी में दाखिल हो गया और ऐसे में कल 1 जुलाई को बाजाबता तौर पर श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। जहूरजी, न्यूज 18 नेटवर्क, नवयुगिया चैनल, काजीगुंड। तो कश्मीर पहला जत्था पहुंच चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच यात्री पहलगाम की ओर भी रवाना हो रहे हैं, क्योंकि अभी अपडेट के मुताबिक अगर बताएं तो 1 से 1.5 घंटा पहुंच लगेगा कि ये पहलगाम बेस कैंप और बालतल बेस कैंप पहुंचेंगे। सुचारू और परेशानी से मुक्त यात्रा रहे, इसके लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। ये आपको तस्वीरों में दिख रहा है। तो यात्री पहलगाम पहुंच रहे हैं और नुनवन बेस कैंप की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से ये आरएफआईडी की बात हम लगातार कर रहे थे। जेंट्स की आरएफआईडी कहां से चेक होनी है, कहां से उन्हें मिलनी है, उसकी कतारें अलग बनी हुई इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता, आइए आपको दिखाते हैं। जो यात्रा 2030 समझे हम इंतजार में हैं इनके, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरी पहलगाम के अवाम दिल से इनको वेलकम करते हैं। ये यहाँ पे हम जो लोग हैं, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे पोने वाले हो, चाहे ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे और कोई हो, बिजनेसमैन हो, होटलियर्स हो, सारे इनका वेलकम करने के इंतजार में हैं। सुबह से ही हम इंतजार में हैं, हम दिल से इनको वेलकम करते हैं। और ये यात्रा जो है परमन तरीके से उसूल के साथ यहाँ पे चले, और जो श्रद्धालु है उनके लिए भी इंतजाम भी रखे गए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आम भी खुशी के साथ इनका इस्तेमाल करने जा रहे हैं और इनके लिए खदमत भी कर रहे हैं। इसलिए जहाँ से भी यात्रा शुरू हुई है यहाँ का आवाम दिल से इनका खिदमत कर रहे हैं। श्री अमरनाथ की यात्रा 2023 का बाजाबता तौर पर कल से आगाज होगा, लेकिन आज से ही जो अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था है वो यहाँ और बालतल पहुंचना शुरू हो गया है। यानी कि अभी हम इस वक्त पहलगाम है और ये पहलगाम का मेन फिशिंग प्वाइंट है, और आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ी सिक्योरिटी है, और इस सिक्योरिटी के बीच जो है यात्रियों को गुजरना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म अपनाया गया है, जैसे कि आरएफआईडी पे जोर दिया जा रहा है, जो आरएफआईडी कार्ड्स दिए गए हैं यात्रियों को, जिससे कि जो उनकी मूवमेंट्स वगैरह है वो ट्रैक हो जाए, तो उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और इसके लिए जो बूथ्स है, अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं, और यहाँ से यात्रियों को गुजरना होगा और उसके बाद नुनवन बेस कैंप पहुंचना होगा। और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो सीआरपीएफ या फिर आईटीबीपी या फिर बीएसएफ की अगर हम बात करेंगे तो वो दस्ते यहाँ पर तैनात है। और इसके अलावा जो एक्सटीरियर सिक्योरिटी ग्रिड है वो आर्मी ने टेक ओवर किया है, और ये कोशिश की जा रही है कि हैजल फ्री और स्मूथ यात्रा हो, और ज्यादा से ज्यादा यात्री जो यहाँ पर आने वाले हैं तो उनकी हिफाजत को मुमकिन बनाया जा सके। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो यात्री है वो यहाँ आना शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर जो प्रशासन के आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, चाहे डीसी अनंतनाग की हम बात करेंगे या फिर जो मजिस्ट्रेट्स हैं, अलग अलग जो कैंप ऑफिसर्स हैं, तो वो यहाँ पर इस वक्त यात्रियों के इंतजार में हैं। और हालांकि आहिस्ता आहिस्ता जो यात्री है वो यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। और फिर एक बार हम आपको ये मंजर दिखाना चाहेंगे, ये मेन फिशिंग पॉइंट है पहलगाम का, और जहाँ से यात्रियों को गुजरना होगा, और इसके लिए जो है तमाम तर मैकेनिज्म अपनाया गया है, और प्रॉपर सिक्योरिटी चेक के बाद ही यात्रियों को अलाउ किया जाता है आगे। और जिस यात्री के पास रजिस्ट्रेशन होगी तो खाली उसी यात्री को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। और ये निवेदन किया जा रहा है कि जो अनरजिस्टर्ड यात्री है, यानी कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको आगे ना जाने दिया जाए, और उनसे निवेदन है कि पहले वो अपने आप को रजिस्टर करें, उसके बाद ही यात्रा के लिए वो आगे निकल जाए। न्यूज 18 के लिए नुनवन बेस कैंप पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। तो पहलगाम के नुनवन बेस कैंप में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, यहीं से यात्रियों को आगे बढ़ाया जाना है, वहां पर किस तरह से नाकाज लगे हुए हैं ये आपने तस्वीरों में देखा। इससे पहले कश्मीर घाटी में जब श्रद्धालुओं का जगह जगह स्वागत किया जा रहा था, पहलगाम से पहले पांथा चौक की यात्रा पहुंची थी, उस वक्त हमारे संवाददाता ने इन तमाम अकीदतमंदों से यात्रियों से बातचीत की थी, आइए आपको दिखाते हैं। तो पांथा चौक ये यात्रा पहुंची थी कुछ देर पहले। आपको बता दें कि ये यात्री जो काफी खुश नजर आ रहे हैं, और इस वक्त की अगर हम बात करें तो यात्री पहलगाम भी पहुंच रहे हैं, और किस तरीके से इस्तकबाल किया गया वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। प्रशासन के आला अधिकारी, अगर बात सुरक्षा बलों की करें तो उनके आला अधिकारी मौजूद रहे, और श्रद्धालुओं का स्वागत, भव्य स्वागत किया जा रहा, दिल खोल कर, जैसा कि अब से कुछ देर पहले आप सुन रहे थे कि दिल खोल कर इन तमाम यात्रियों का
पहलगाम के बेस कैंप में इंतजार हो रहा है। बीच में जो पड़ाव पड़ रहे हैं वहां पर भी जोशीले अंदाज में इन तमाम भक्तगणों का स्वागत किया जा रहा है और ये और उत्साह पूर्वक तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जय भोलेगी। मेरा नाम अनिल डबराल, हम लोग उत्तराखंड से आ रखे हैं, देवभूमि से, और हमारा अमरनाथ यात्रा का है और आज सुबह हम अपना श्रीनगर पहुंचे, श्रीनगर से अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आ रखे हैं, बेस कैंप ऑफिस में, और केवाईसी अपना कराकर अपना कार्ड लेकर जो हमें अपना यात्रा का कार्ड है वो मिल चुका है और कल हम यहाँ से अपने यात्रा प्रस्थान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्मी द्वारा जो पुलिस प्रशासन यहाँ के लोगों, पुलिस प्रशासन और यहाँ के लोग लोकल लोगों द्वारा जो आपसी सहयोग जो मिल रहा है बहुत सुंदर, अच्छा है, अच्छी तरह से वो एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ किसी को समझ नहीं आ रही तो उसमें वो उसकी व्यवस्था कराने की व्यवस्था भी करा के दे रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धापूर्वक आएँ और एक अच्छा माहौल बनाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें, बहुत अच्छा रहेगा। 20 साल हो गए मुझे आते हुए, सबसे पहले दिन यात्रा हम करते हैं। हम लुधियाना 25 तारीख से चले हैं, 25/6/2023 से, ठीक है। सबसे पहले हम शिवखौड़ी गए, शिवखौड़ी के बाद हम वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी के बाद हम शुद्ध महादेव, शुद्ध महादेव के बाद मटन में मंदिर जो सूर्य भगवान का मंदिर है वो देखा, फिर पहलगाम में एक दो दिन मस्ती की, उसके बाद आज हम श्रीनगर में हैं। श्रीनगर में हम अपने वो कार्ड बनवाए हैं, पंजीकरण हमने पहले करवा रखा था, KYC हमने पहले करवा रखी थी, आज कार्ड बनवाए हैं और हम अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। साल और इस साल में कितना फर्क अंतर लगा आपको? बहुत फर्क है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत फोर्सेस लगी हुई हैं, J&K पुलिस, BSF, मिलिट्री, CRP, जितनी भी फोर्सेस हैं सभी लगी हुई हैं, किसी भी आदमी को डरना नहीं चाहिए। हम तो सभी को ये बात कहेंगे कि भोले शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए सभी को अमरनाथ यात्रा करनी चाहिए। क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे यात्रियों के लिए? यात्रियों के लिए यही है कि भगवान सबका भला करे और अच्छी तो उसको तंदुरुस्ती दे शरीर को, तो वो यात्रा कर सके सभी। तो श्रद्धालुओं का अलग अलग पड़ाव पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग जिले में भव्य स्वागत किया जा रहा है और ये स्वागत स्थानीय लोग, आला अधिकारी कर रहे हैं। कहीं फूल मालाएं उन्हें पहनाई जा रही है तो कहीं गुलदस्ते पेश किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में ही मुमकिन है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा कई दशकों से जारी है और हम ये जानते हैं कि News 18 इस यात्रा को पूरी तरीके से कवर करता है ताकि आप घर बैठे ही दर्शन कर पाएं बाबा बर्फानी के। पहले जत्थे की रवानगी हो चुकी है, कश्मीर में भी एंट्री इस जत्थे की हो चुकी है और पांथा चौक कुछ देर पहले ही ये यात्रा यात्रियों का जत्था पहुंचा था और पहलगाम तक, नुनवन बेस कैंप तक पहुंचने की शुरुआत भी हो चुकी है और जगह जगह पर इनका इस्तकबाल स्वागत किया जा रहा है। यात्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। देखिए, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 की शुरुआत होने जा रही है और इस मौके पर आज पहला जो यात्रियों का बैच है, पहला जो बैच है वो इस वक्त श्रीनगर से क्रॉस कर रहा है और यहाँ लसदिन में, यहाँ लसदिन चौक में यहाँ की सिविल सोसाइटी ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने यात्रियों का पुरजोश स्वागत किया है, उनका खैर मकदम किया है और उनको सुखद और अच्छी यात्रा की कामना की है। मेरे साथ इस वक्त चेयरपर्सन DDC आफ्ताब मलिक साहब भी मौजूद हैं, यहाँ के तमाम इस इलाके के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी आज यहाँ मौजूद थे और यात्रा जो है, यात्रियों में हमने बहुत उत्साह देखा है, बड़े अच्छे तरीके से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि यात्रा, हर यात्री की यात्रा सुखद रहे और इस साल हम उम्मीद रखते हैं कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ यात्रीज इस बार बाबा भोले के दर्शन करने जा रहे हैं। सर, आज ईद भी चल रही है तो ईद के हवा से कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत बढ़िया सब चल रहा है और मंगलमय यात्रा होगी। हम तो 32 साल के अनुभवी हैं,
आते रहे, हादसे भी होते रहे, सब कुछ होता रहा है, फिर भी यात्रा का जब समय आता है उसके 10 दिन पहले ऐसा कुछ लगता है कि यार अमरनाथ चलना है, कश्मीर चलना है। तो ये अमरनाथ बाबा की यात्रा चैन देने वाली है और चैन लेने नहीं देती है। जब समय आ जाता है ना, बहुत बढ़िया, तो कहते ही आओ भाई। तो ये है मामला, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का माधुर्य है, समग्रता तो बैठने नहीं देती है। तो हमारा तो केवल ये कहना है कि मैं यात्रा में तब तक आता रहूंगा जब तक ये गवर्नमेंट मेरा पास बनाती रहेगी। अब भाई उम्र भी आ रही है, 58 साल का हो गया हूँ, जब तक जैसा होगा तो बढ़िया। बाबा जी क्या प्रार्थना करेंगे आप वहाँ पे? क्या प्रार्थना करेंगे आप वहाँ पे? प्रार्थना तो हम केवल इतने कहते हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये सनातन सनातन धर्म सुरक्षित रहे बाबा की कृपा से, और क्या प्रार्थना करना है। बोल सनातन धर्म की, बोल विश्वनाथ भगवान की, बोल अमरनाथ बाबा की, हर 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 महादेव। शर्मा एक मिनट जी, आपका नाम और कहां से और इस यात्रा के लिए? हम लुधियाना से आए हैं, हैबाबा से। हमारे भाई जान जसरा भाई जी हैं, हर साल यात्रा लेके आते हैं, बहुत अच्छी तरह यात्रा लेके आते हैं। शिवगौड़ी लेके जाते हैं, शंकरगढ़ी लेके जाते हैं, रामदेव मंदिर लेके जाते हैं, शिव भीर बोनी लेके जाते हैं, सभी यात्रा अच्छी तरह कराते हैं। हर साल आते हैं, हमारे 14-15 सालों में बस लेके आते हैं। ऐसी यात्रा जैसे जो सिस्टम है, 15 साल पहले बहुत माड़ा सिस्टम था, अब 2-3 साल से ऐसा अच्छा सिस्टम हो गया, किसी भी पास से कोई परेशानी नहीं आई, ना आई है ना आएगी। आइंदा 3 साल पहले हम आए थे, हमारे को परेशानी आई थी, अब कोई परेशानी नहीं। ऐसे लोग बोलते पट्टे मारते हैं, वो मारते हैं, किसी भी वो करते, कुछ नहीं करते। ये हमारे भाई लोग हैं, जितना जेब प्यार करते हैं इतना कोई नहीं करता। जो पत्थरबाजी करते हैं वो और लोग हैं। जैसा कोई मैसेज देना चाहोगे यात्रियों के लिए? यात्रियों को मैं बोलता हूँ, घर से बम बम बोल के निकलो, कोई टेंशन नहीं है, ना कोई परेशानी है, ना बोले उन्हें आने देगा, ना आज तक आई है, जो आई है तो बोले तो अपना डाल देते हैं। जय बम बम बोले। मैं प्रयागराज से आया हूँ जी। मैं यहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी अभी वो चल रहा था, स्टाफ अवेलेबल नहीं थे, अभी आप स्टाफ अवेलेबल हो गए हैं और काम चल रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सारे श्रद्धालु बिंदास अमरनाथ जी की यात्रा करें, और यहाँ प्रशासन के द्वारा बहुत सारी कंफर्टेबल व्यवस्था कराई गई है कि किसी यात्री को भटकना नहीं पड़ रहा है, और हर चीज़ एक सुटेबल ढंग से अवेलेबल करा रही है प्रशासन। तो क्या अब पहली बार यात्रा जी? मैं पहली बार यात्रा पे आया हूँ, और ये यहाँ तक की यात्रा में ये देखने को मिला है कि प्रशासन पल पल पे यात्रियों का पूरा सहयोग कर रहा है। 15 साल पहले कुछ नहीं था यहाँ, और 15 साल से बिंदास लोग अमरनाथ की यात्रा पे निकल रहे हैं, और देखने में आया है कि भारी संख्या में लोग अमरनाथ यात्रा पे निकले। तो यात्री धवा धवा हैं अपनी मंजिल की ओर। अनंतनाग में भी अमरनाथ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया, लोगों ने अमरनाथ यात्रियों को फूल मालाएं पहनाई और नारों से उनका स्वागत किया। अमरनाथ यात्रियों में काफी खुशी देखी जा रही है, कुछ यात्री पहले भी अमरनाथ की यात्रा कर चुके हैं तो कुछ पहली बार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह अमरनाथ यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। चंद्रकूट रामबन की अगर बात करें तो जब वहां पर काफिला पहुंचा और यात्री पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने यात्रियों का स्वागत किया। चंद्रकूट में नाश्ते के बाद यात्रियों को आगे की ओर भेजा गया। इस अवसर पर रामबन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दर्शन करने जा रहे हैं सच शांति के लिए। चलो बढ़िया, कैसा सफर रहा अभी तक का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। 2023 का दिल की अमीर गहराइयों से हम इसका स्वागत करते हैं, और हमारे लिए बड़े ये जय बोलेगी, जय बोलेगी। हम अमरनाथ यात्री 2023 30 जून 2023 का वेलकम करते हैं। मैं सरपंच महेंद्र सिंह,
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन से, पंचायत महत्रा है मेरी, और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ से अपने अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ और दिल की गहराइयों से स्वागत जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने और इलेक्टेड लोगों ने और लोकल जो यहाँ के उन्होंने मिलकर किया। निरंतर जब भी यात्रा का हम लोग मिलकर यहाँ पर यात्रा का स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ रामन में जो हमारे रामन डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे अमरनाथ यात्रियों का जो पहला जत्था था आज वो रवाना हुआ था। हमारे रामन डिस्ट्रिक्ट में उसका ये चंद्रकोट के मुकाम में हमने उनका भव्य स्वागत किया गया और यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे चंद्रकोट में 9 लंगर लगाए गए हैं, पीछे भी बिहार में भी व्यवस्था है लंगर की और सब कुछ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और जो ये इनकी मेडिकल फैसिलिटी हर चीज का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। तो मैं अपने यात्रियों को बहुत बहुत बधाई दूंगी और उनका हार्दिक स्वागत करूंगी अपने रामन डिस्ट्रिक्ट में और वो जाके उनकी यात्रा मंगलमय हो। प्रवेश द्वार लखनपुर में यात्रा के लिए पहुंचने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन फेक मिलने के बाद यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक 150 के करीब लोगों का फेक रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। एसएसपी कठुआ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच उन्होंने की। एसएसपी कठुआ ने कहा कि मामले को देखा जा रहा है, वहीं जो तीर्थ यात्री है उनमें परेशानी देखी जा रही है। हमारे साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है, जो कागज़ बना के दिए थे वो सही नहीं है। हम 100-150 आदमी हैं जो बसों के साथ बसें हैं हमारे साथ और हम जाने यात्रा का नया अमरनाथ की यात्रा का नया कागज हमारे सही नहीं है, उस वजह से हमें परेशानी हो रही है, हमारे को दिक्कत हो रही बड़ी। मैं जाने नहीं दे रहे हैं 45 बस हैं हमारी। तो क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट क्या हम यात्रा करने आए तो यात्रा दर्शन करके जाएं, हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से। आया हूँ तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है सर, हमारे को रजिस्ट्रेशन सही नहीं मिला है। रजिस्ट्रेशन में सही ना मिलने की वजह से हमारे को आगे पूरी यात्रा में दिक्कत रहेगी सर, हम लोग आगे बहुत परेशान होंगे। हम चाहते हैं कि हमारी सहायता की जाए, मेरे साथ पूरे परिवार जुड़ा हुआ है, 45 लोग हैं हम लोग, तो हम चाहते हैं हमारे को यात्रा एकदम सफल की जाए। सुबह 19 थे और अभी 45 है अपना। इस पर कुछ लोगों ने अपने एजेंट्स के थ्रू की होती है रजिस्ट्रेशन करवाई होती है, तो वो काफ़ी मामले आ रहे हैं। दिल्ली से 2 ग्रुप्स का तो हुआ है जिसमें जब ये परमिट नंबर का मैच किया जाता है तो वो पाया जा रहा है कि फेक है, फिर भी हमने अपनी वो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए खुद जाके देखा है कि कई बार कहीं एंट्री वेंट्री गलती मैनुअली उस वजह से तो नहीं हुआ है, बट वो जो पाए गए हैं तो उन्होंने माना है कि हमने गाड़ियों की बुकिंग सारी ट्रैवल एजेंट से ही करते हैं, तो उन्होंने यात्रा के हमें दे दी। हाँ, इस पर इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन का मसला है और इस पर हम जो भी इस पर लीगल कार्रवाई है वो करेंगे और कंसर्न जैसे 2 केसेस दिल्ली के आए हैं तो दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म। यात्रियों को क्या सर सजेस्ट किया गया? यात्रियों को ये किया गया है कि यात्रियों को तो सुविधा नहीं होनी चाहिए, तो वो जम्मू कश्मीर घूम सकते हैं एज ए टूरिस्ट, मगर यात्रा के लिए उनको जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं वहाँ जाएं और जिस डेट की बुकिंग है उस डेट भी अगर उनके प्रोग्राम में फॉल करता है तो करवाएं। फिलहाल इसी के साथ टॉप 18 में इतना ही। लगातार अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई कवरेज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।